हेलो गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किंगडम सिस्टम्स के बारे में, किस तरह से किंगडम सिस्टम जो थे वो बने थे एंड और इसको बनाने की वजह क्या थी, क्यों ये बनाए गए थे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल किंग्सोलॉजी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखें कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स थे, इनफैक्ट के जो एनिमल्स और प्लांट्स थे उन्हीं के भी मतलब बिलियंस में वो चले गए थे एंड बहुत ज़्यादा ऐसे भी थे जो कि रोज़ बरोज़ एक्सटेंड हो रहे थे और हमें उनके बारे में पता ही नहीं था। तो मतलब इतने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स को याद रखना, उनके बारे में पढ़ना, उनको सेट करना बहुत मुश्किल था। इस वजह से किंगडम सिस्टम बनाए गए थे, यानी किंग जो है ना, किंग का मतलब होता है बादशाह। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, मतलब उनकी क्वालिटीज़ की बेस पे उनको एक एक ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। जब उनकी ग्रुपिंग कर देंगे तो इसका मतलब है कि उनके लिए, हमारे लिए जो है ना वो इजी हो जाएगा कि किस तरह से जो है ना वो हम इनको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जब किंगडम सिस्टम थे तो किंगडम सिस्टम से एक तो हमें वो ईजी हो गया उनको पढ़ना और उनको नाम देना, और बाकी उनकी क्लासिफिकेशन जो थी वो इसी तरह से बनी थी। उनको रैंक्स में डिवाइड कर दिया गया था, उनके टैक्सा बना दिए गए थे, बहुत सारे ग्रुप्स बना दिए गए थे। तो अभी हम जो है ना, ये वो सिस्टम्स हैं जिनके अंदर हम उनको रैंक देते हैं ऑर्गेनिजम्स को और साथ में उनको डिवाइड कर देते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिजम्स की इंटू ग्रुप्स में या स्मॉलर ग्रुप्स में। तो उसको हम कहते हैं, ये क्या है, ये किंगडम सिस्टम है, ये उसकी ओवरऑल डेफिनेशन है। उसके बाद अब कि हम देखेंगे कि किंगडम सिस्टम जो है उसमें आगे फर्दर चीज़ें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले टू किंगडम सिस्टम बनाया गया था। टू किंगडम सिस्टम जो है इसमें यहाँ पे दो चीज़ें जो थी वो बनाई थी। तो सबसे पहले टू किंगडम सिस्टम बनाया गया था। टू किंगडम सिस्टम जो है इसमें जो ऑर्गेनिज्म थे इनको टू बड़े ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था, और ये उन्होंने जो मेन करेक्टर ली थी जिसकी बेस पे उन्होंने डिवाइड किया था वो थी उनकी फीडिंग मोड, कि वो किस तरह से फीडिंग कर रहे हैं। जैसे कि प्लांटी ग्रुप बनाया गया था, प्लांटी के अंदर ये था कि वो सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक थे, फोटोसिंथेसिस करते थे, खुद अपनी फूड प्रिपेयर कर रहे थे, सनलाइट को यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके, वाटर को यूज़ करके, और उसके रिजल्ट में फिर कार्बन डाइऑक्साइड वो ऑक्सीजन और साथ में जो है ना वाटर रिलीज होता था और साथ में जो है ग्लूकोज उनके पास बन जाती थी, यानी कि उनकी अपनी फूड वो ईजिली प्रिपेयर कर लेते थे। उसके बाद ग्रुप बनाया गया एनिमेलिया का, कि इनको कहा गया कि ये क्या है, ये हेटरोट्रॉफिक है, मतलब ये कि ये अपनी फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते एंड इनका दूसरों पे ऊपर डिपेंड करते हैं, दूसरे मतलब एनिमल से भी ये फूड ले सकते हैं और प्लांट से भी, प्लांट से देंगे। जैसे कि हम हैं तो हम प्लांट्स जो हैं वो बहुत सारी अपनी फूड, जैसे कि हमारी वीट है, राइस है, बाकी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सारा कुछ हम प्लांट से ले रहे हैं। लेकिन अगर मीट की बात की जाए, दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसे कि हैं फिश वगैरह, ये जो हम मीट वगैरह खा रहे होते हैं, तो ये भी सारे जो है ना ये हम एनिमल से ले रहे हैं। मींस कि हम अपनी फूड के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड हैं, खुद अपनी फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो उस वक्त फिर कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। क्योंकि अगर फीडिंग मोड ही देखा जाए तो वो भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का जो था ना वो डिफरेंट था, कुछ का एब्जॉर्बेड था, कोई डिकम्पोजर थे, तो इस वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। तो फिर कहा गया नहीं, ऐसे टू ग्रुप्स में इन चीज़ों को डिवाइड नहीं किया जा सकता, बल्कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो कि बिल्कुल टोटली छोटे थे, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और कुछ में मेन जो चीज़ आ गई थी वो ये कि उनके न्यूक्लियस में डिफरेंट था, यानी कि कुछ प्रोकैरियोट कुछ यूकैरियोट। अगर प्रोकैरियोट देखें, प्रो का मतलब होता है पहले, तो देखें कि उनका जो न्यूक्लियस था वो प्रॉपर नहीं था, बल्कि उनके अंदर वो इस तरह से थे, इस तरह से, और उनके अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल था वो ऐसे फ्लोटिंग फॉर्म में था। लेकिन जो यूकैरियोट थे उनके अंदर एक प्रॉपर न्यूक्लियस था और उसके अंदर जितना भी मटेरियल जो है ना वो मौजूद था, यानी कि डीएनए और प्रोटीन्स और ये सारा क्रोमेटिन क्रोमोसोम वो सारे उसके अंदर मौजूद थे, लेकिन इसमें फ्लोटिंग कंडीशन में थे। इसी बेस पे भी ऑर्गेनिजम्स जो थे वो डिवाइड हो गए थे प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट बहुत बड़े ग्रुप्स के अंदर, एंड उनकी मोड ऑफ फीडिंग जो थी वो डिफरेंट थी एंड और भी उनके अंदर बहुत सारे डिफरेंस आ रहे थे। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स थे जैसे कि यूग्लिना जो है वो कहीं फिट ही नहीं हो रहा था, क्योंकि जब वो उसके पास लाइट होती थी तो वो अपनी फूड को प्रिपेयर कर लेता था, लेकिन जब लाइट नहीं होती थी तो वो डिपेंड करता था दूसरों के ऊपर और हेटरोट्रॉफिकली अपनी फूड जो था उसको ले लेता था। तो इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए थे। इसी तरह कुछ प्लांट्स भी ऐसे हैं, जैसे पिचर प्लांट है, सन जो सन रे है,
ये सारे जो प्लांट्स हैं इनके अंदर भी क्या होता है कि वो अपनी फूड जो है कुछ तो वो ज़मीन से ले रहे होते हैं, सॉइल से ले रहे होते हैं, इन्वायरमेंट से ले रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि वो इंसेक्ट्स वगैरह को भी खाते हैं, उनसे भी वो अपनी फूड वगैरह जो है ना उसको ले रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो डिफरेंस काज हो गया था, इस वजह से फिर कहा गया कि फीडिंग मोड फोटोसिंथेसिस भी हो सकता है, एब्जॉर्प्शन हो सकता है, इंजेशन हो सकता है, डिकम्पोजर्स भी हो सकते हैं और भी बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। तो इस वजह से जो है ना सेप्रोट्रॉफ भी वहाँ पे आ जाते हैं, हाइड्रोट्रॉफ वगैरह ये सारे। तो उनकी बेस पे और उनकी सेल्स की बेस पे उनके न्यूक्लियर मटेरियल आप उसको ऐसा करो मज़ीद उनको डिवाइड करो। तो जब मज़ीद उनको डिवाइड किया गया था तो वो फिर पाँच ग्रुप्स में जो है ना टोटल डिवाइड हुए थे। एंड पाँच ग्रुप्स में सबसे जो पहला नाम हम कहते हैं वो आता है किंगडम मुनैरा का। किंगडम मुनैरा जो है इसमें सारे के सारे जो हैं हम वायरस जो होते हैं उनको स्टडी कर लेते हैं, जैसे इस तरह से वायरस है ना कोकाए जो था वो आपने पढ़ा था, और स्टेफलोकोकाए, स्ट्रेप्टोकोकाए, ये सारी जो चीज़ें हैं इनका हम कहते हैं ये किंगडम मुनैरा के अंदर उन्होंने रख दी थी। मतलब ये कि जितने भी जो वायरसेस वगैरह हैं वो सारे उन्होंने कहा कि इसके अंदर इसको रख दें, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और उनके अंदर उनको प्रोकैरियोट बोलते थे, उनके अंदर जो है ना प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं था, वायरस भी और साथ में जो बैक्टीरिया वगैरह थे बैक्टीरियाज वगैरह को उन्होंने उठा के यहाँ पे रख दिए, जैसे एट्राइकस और ये जितने भी पिछले वाली वीडियो में मैंने बताया है आपको, और एम्फीट्राइकस और लोफोट्राइकस और ये सारे के जो है ना उठा के उन्होंने ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव उन सबको किंगडम मुनैरा में रख दिए, जो कहीं भी फिट नहीं होते थे ना प्लांटी में ना फंजाई में ना एनिमेलिया में, उनको उठा के उन्होंने कहा कि ये क्या है, ये प्रोटिस्टा है, यानी कि इसको क्या करो इसको उठा के प्रोटेस्टा में रखो। प्रोटेस्टा के अंदर जो है ये अमेबा वगैरह और जो ग्रीन एलजी, ब्लू एलजी और ब्राउन एलजी जो थी वो, और साथ में जितने भी ये स्लाइम मोल्ड जो होते हैं वाटर मोल्ड, स्लाइम मोल्ड एंड साथ में और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, अमेबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, इन सबको उठा के जो कहीं फिट नहीं होते थे उनको उठा के प्रोटेस्टा ग्रुप के अंदर रख दिया गया था। फिर उसके बाद जो है ना वो एनिमल थे, एनिमल्स में सारे के सारे आ गए थे, लेकिन एनिमल्स के आगे से भी और बहुत ज़्यादा डिवीजन है, क्योंकि देखें कि एनिमल्स में यहाँ पे रेप्टाइल्स भी इंक्लूड हैं, एम्फीबियंस भी हैं, साथ में और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। तो यहाँ पे ये सिर्फ जस्ट एनिमल तक ही डिवीजन नहीं रुकी थी, ये तो सिर्फ किंगडम थे, किंगडम के बाद फिर आगे फर्दर और इनकी डिवीजन हुई थी। तो इसी तरह से जो है फंजाई, फंजाई में जितनी मशरूम्स वगैरह थी, फंगस वगैरह जितनी भी थी उन सबको यहाँ पे उठा के रख दिया गया था, और प्लांटी जो था इसमें बहुत सारे प्लांट्स रखे थे, तो ये सारे के सारे प्लांट्स जो है ना वो इसमें मतलब इंक्लूड कर दिए गए थे। तो ये टोटल पांच किंगडम बनाए गए थे और इनके सेल की बेस पे भी इनको नाम दिया गया था, कुछ यूनिसेलुलर जो थे उनको अलग कर दिया, मल्टी सेलुलर जो थे उनको अलग कर दिया था, और ये सारा काम करने वाला जो था वो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट वटेकर। तो इस तरह से आपको देखें कि जो लाइफ है वो स्टार्ट हुई है प्रोकैरियोट से, प्रोकैरियोट जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, यूकैरियोट जिनके अंदर प्रॉपर परमानेंट न्यूक्लियस जो है ना वो मौजूद है, सारा न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो एक ऑर्गेनेल के अंदर सेव है, और उसके बाद फिर जो सेल्स की नंबर जो है वो भी वेरी करता है, तो उसको हम कहते हैं जहाँ पर नंबर उनका ज़्यादा, ये दो या तीन से नंबर ज़्यादा हो जाए या टेन से ज़्यादा हो जाए तो उनका हम कहते हैं ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। उसके बाद फिर कुछ प्लांट्स आ गए थे, कुछ फंजाए और कुछ जो है ना वो एनिमल्स, लेकिन उसके बाद फिर फर्दर जो है इनकी डिवीजन की गई थी, इनको डिफरेंट टैक्सोन्स में जो है वो डिवाइड किया था। टैक्सा का मतलब होता है बहुत बड़ा ग्रुप, बहुत बड़ा रैंक, उनको रैंक कर दिया गया था, उनकी रैंकिंग के बेस पे उनको डिवाइड किया गया था। जैसे कि एनिमल्स हैं ना तो उनमें भी अगर हम ह्यूमन की बात करें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। अभी हम ह्यूमंस के जो टैक्सा हैं उनको पढ़ेंगे कि किस तरह से उनको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया था, किस तरह से हमने उनको रख दिया था डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। अगर ये टैक्सा आप देखें तो यहाँ पे देखें कि सबसे पहले है ना ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तो सबसे पहले किंगडम, किंगडम को उन्होंने कहा कि नहीं जस्ट किंगडम तक आप नहीं रख सकते बल्कि उसको फाइलम में फर्दर डिवाइड करें, तो फिर फाइलम में डिवाइड कर दिया, फिर नहीं कि फाइलम जो है इसको भी फर्दर मजीद ग्रुप्स में डिवाइड करें, तो फिर आगे जो है ना उसके आगे जो क्लासिफिकेशन थी वो क्लास थी, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद फैमिली और उसके बाद जीनस जो है वो, आखिर में जो है जो जनरल्स वगैरह बनाए ना उसके लास्ट में फिर स्पीशी बनाएगी, और स्पीशी के बाद में एक और भी चीज़ है जिसको हम कहते हैं सब स्पीशी।
तो वो भी अभी लेटेस्ट है और अभी लेटेस्ट बुक्स में आपको वो चीज़ मिलती है, लेकिन अगर आपके फैसी तक बुक है तो उसके अंदर वो ऐसी चीज़ नहीं है। अब सबसे पहले अगर हम ह्यूमन के बारे में देखें तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में हमने देख लिए, तो सबसे पहले अगर किंगडम में देखा जाए तो किंगडम एनिमेलिया है और इसकी बेसिस जो है वो इस वजह से हैं, एक तो ये मूव कर सकते हैं और दूसरा ये कि हेटरोट्रॉफिक हैं, यानी कि अपनी जो फूड है वो किसी और से लेते हैं, किसी और के ऊपर डिपेंड करते हैं फूड के लिए। दूसरा ये कॉर्डेट, मतलब ये कि इनके पास जो है ना वर्टेब्रल कॉलम जो है वो मौजूद होती है। और क्लासेस में जब डिवाइड किया गया तो मतलब ये कि मैमल्स हैं, तो इनकी जो क्लास थी वो मैमल्स थी। मैमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी के ऊपर फर होती है, फर मींस के हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और साथ में ये अपने बच्चों को मिल्क दे सकते हैं, मिल्क फीडिंग जो है ना वो करवा सकते। उसके साथ हम देखेंगे प्राइमेट्स के बारे में कि प्राइमेट्स जो हैं वो ऑर्डर में आते होते हैं, एंड इनका क्या है कि इनके पास एक कॉलर बोन होती है, ठीक है, ये जो गला होता है ना, तो इसको हम कहते हैं यहाँ पे क्या है, कॉलर बोन है, और प्राइमेट्स के अंदर ये मौजूद होती है, यानी कि उनका एक प्रॉपर इनकी नेक होती है। उसके बाद फैमिलीज जब आई डिवाइड किया गया तो वहाँ पे इसका रखा गया होमिनाइड। होमिनाइड वो होते हैं जिनके जो फेस होते हैं वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं, आगे की तरफ निकले हुए नहीं होते, जैसे कि जो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके जो फेस होते हैं वो आगे की तरफ निकले हुए होते हैं, उनके टीथ जो होते हैं वो बाहर की तरफ आए होते हैं, उनके नीरीज छोटे होते हैं। तो इनका क्या था कि इनकी बिल्कुल फ्लैट सीधे फेस थे। उसके बाद जो थी इनकी जेनरा, जो था जेनरा में ये था कि ये अपराइट पोस्चर था, मींस कि ये बिल्कुल सीधे चलते थे, इनमें कोई डिफरेंस नहीं था, ये बैठकर या फिर हाथों के बल इस तरह से नहीं चलते थे, बल्कि बिल्कुल स्ट्रेट चलते थे। अप स्ट्रेट इनकी पोजीशन थी, इनका पोस्चर था, और अपने टू फीट्स के ऊपर ये चलते थे। उसके बाद आ गया स्पीशी, तो स्पीशी जो है वो था होमो सेपियंस की, यानी ये जो होमो सेपियंस हैं इनकी जो स्कल बोन है वो थिन है, वो इतनी बड़ी या इतनी हैवी नहीं थी, बल्कि बॉडी के हिसाब से उनका जो एक स्कल है ना वो इतनी सी थी। ऐसा नहीं है कि उनकी बॉडी छोटी सी हो और स्कल जो है ना वो इतनी बड़ी सी हो, या फिर कुछ और तरीके से हो, या उसमें कोई और मॉडिफिकेशंस हो, ऐसा नहीं था, बल्कि सिंपल सी थी और जो है ना वो थिन स्कल बोन थी। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।